वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम दीदी के वहाँ जाने वाले हैं। अभी मुझे तैयार होना है क्योंकि सुबह सुबह हमें जाना है वहाँ, उनके वहाँ गृह प्रवेश है तो हमें जल्दी पहुँचना है। तो अब मैं आपको मिलूँगी सीधे तैयार होने के बाद। बाय। मैं रेडी हो गई हूँ और ये देखो हल्ला सबसे ज़्यादा कर रहे हो। खुद अभी तक रेडी नहीं हुए, रेडी नहीं हुए, तुम नहीं हुए, मैं तुम नहीं हो कर तुम्हारी रहे, वजह खुद से नहीं रेडी हुए हुआ अभी तक। अभी मैं ना 2 मिनट लगते हैं मुझे रेडी होने में, ठीक है? अपना लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ मैं? और ये बीच की मांग वाली ऐसी हेयर स्टाइल मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम करी है, क्योंकि मेरे पे शूट नहीं करता है ना ये बीच की मांग, और ये तो मैंने फिर भी आज मैं इनका कर ही लेती हूँ जैसे भी लगूंगी। बस हम लोग निकल गए हैं मार्केट में, बस हमें यहाँ से लेनी है जीटीवी नगर तक। हम जाएंगे मेट्रो से और वहाँ से हमने सोचा है कि हम कैब कर लेंगे और जल्दी पहुँच जाएंगे। अनु को कॉम्प्लीमेंट मिल गया अभी अभी मेट्रो स्टेशन में, हमें तो नहीं दिया किसी। अच्छा तो मैं क्या ही बोलूँ। हम लोग जीटीवी नगर पहुँच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं बर्गर किंग, है ना ये क्या है पता नहीं। तो हम जा रहे हैं इधर बर्गर खाने। ये है, कैसा लग रहा है बर्गर खाना है? मैंने ऑर्डर कर दिया वैसे, जब तक हमारी आती है कैब तब तक हम थोड़ा सा, वैसे सही है ना यहाँ पर, तो अगर कैब लेट आ रही है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के अपने स्नैक्स ले सकें। हमारी कैब आ गई थी तो हम लोग फिर वहाँ नहीं खाया, तो हम लेकर आए मेरा बर्गर और आपका क्या है ये बर्गर, तो इनका भी बर्गर, तो हम अब खाते हुए ही जाएंगे। हम अपना बर्गर इंजॉय करते हैं, आप वीडियो इंजॉय करो, कहीं मत जाना। तो हम कुछ किसी एक एरिया में पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद हम भटक गए, हमको रास्ता मिल नहीं रहा है। देखो कुछ ऐसी गलियाँ हैं, कुछ ऐसी गलियाँ हैं और ऐसी जगह है, तो रास्ता में मिल नहीं रहा है कहाँ को जाना है। फाइनली घर पहुँच गए हैं भटक भटक के जैसे तैसे। ये इनके, ये है हमारी दीदी और इनका है गृह प्रवेश आज, और इतना शानदार सा गृह बना रखा है, अभी दिखाऊंगा सामने से। जल्दी आओ, जल्दी आओ, फोटो भी क्लिक करनी है। चलो थोड़ा उधर दौड़ को, थोड़ा पीछे पीछे, थोड़ा पीछे पीछे, इधर को, इधर को। ये हमारे हलवाई क्या बना रहे हो? ये मटर पनीर बन रहा है, अभी हमने इसमें क्या रखा है, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का जो है पेस्ट बना के डाला है, और इसको हम अभी चलाएंगे लगभग 15 मिनट के लिए। और ये कुकैनी, ये फूक है, ये फूक है, कुकैनी क्या करी कि मैं थोड़ा मेकअप करूंगी फिर आऊंगी। तो ये जीजा जी का मटर पनीर और बन रहा है, और तू क्या बना रही है? खड़े चढ़े मामा मैं छोले बना रही हूँ। तो दीदी बना रही है यहाँ पे छोले, जीजू बना रहे हैं मटर पनीर, इसकी कढ़ाई हो गई है, और ये बनाएगी पतली पतली रोटी और पूरी। अभी हमने आटा रखा है इसके लिए बाहर कूदने के लिए। और गोलू, ये गोलू मेरे साथ नहीं आई, तू देखो आटा दो। और ये हमारे सैफ है, नहीं ये सैफ तो है, ये सैफ है, सैफ ये सैफ है, और वो दूसरी शेफानी सैफ शेफानी। सचिन और इसने और मैंने साथ में पढ़ा है, हम दोनों क्लासमेट भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। ए भाई उससे वाला लुक दे दे मेरे को, तू जरा जूम कर ले लूं। क्या जो तेरा जीजा इतना मटर पनीर बना देगा, इतना मटर पनीर बना देगा कि सबका पेट खराब हो जाएगा। बनाते खूब सारी मस्ती हमारी, मैंने आपको दिखा दिया आपको क्या।
मेरी थी, मैंने दिखा दी, तो तुम्हारी फोटो ले लूं। फाइनली खाना सारा रेडी है हमारा, मैं दिखाती हूँ आपको, पूरी बन चुकी है और सब्जियां मैं आपको दिखाती हूँ, इसने भी बनाई है। जीजू और दीदी ने सब्जियां बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाई। ये छोले हैं, तो इतने बड़े बड़े भगोने में हमने ये बनाया मटर पनीर। ये है हमारा मटर पनीर, कितने बड़े बड़े पनीर के पीस है इसमें, खूब भर भर के पनीर डाला है। ये है हमारा राइस, अरे गुलाब जामुन है रे बाबा, सब निकाला है। ये तो गुलाब जामुन है रे बाबा, यस लग रही मुझे, काफ हो जाए। ये काफन रखे हैं इसमें, यार दिखाना यार। एक तो खिला तूने, तो मुझे छुपाए थे अभी तक। बहुत टेस्ट, किसने बनाया? मैंने। किसके हाथ पे मैं चूमना चाहूंगी। रायता हमारा, पंडित जी के पुलाव बन रहे हैं, पंडित जी के पंडित जी के लिए पुलाव बन रहे हैं यहाँ पे। अभी पापड़ नहीं तलाया, वहाँ पर एक पापड़ था, आ गया। ये तले जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बाहर से खाना बनाने के लिए किसी को नहीं बुलाया गया है, घर के लोग ही सारा खाना बना रहे हैं। जी दीदी लोग खा रहे हैं और मैंने भी थोड़ा सा हेल्प करी जितना मुझे पाया। तो थोड़ा बहुत हेल्प मैंने भी करी और बाकी सारा जीजू दीदी लोग ही खाना यहाँ पे बना रहे हैं, तो बहुत मजा आया। बड़े पापा। तो ये है हमारे चावल। जीजू क्या डल रहा है? कसूर क्या था इसका? तो यहाँ पर सबको खाना खिला रहे, सब बैठे हैं नीचे, सबको बांट रहे हैं खाना। थोड़ी देर में हम भी खाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या बना है और कैसा बना है। हाय कर, ऐसे कर। अनिली हमारा खाना आ गया है और हम सोच रहे कि हम खा लेते हैं, वो भी बोल रहा है उसको भी ब्लॉगिंग करनी है। हाँ मुक्कू आप क्या बोल रहे हो? चार खाए, पाँच खाए, एक मैं शादी में दूल्हा यह है अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है इन्हें। अरे राधा कृष्ण, अभी दूसरा है ये गणपति होंगे, गणपति देखा, गणपति सही बोले, गणपति गणपति जी, ये गणपति ज्यादा अच्छे लग रहे, गणपति बहुत अच्छे। इसकी अनबॉक्सिंग पहले के चलो, जूस चलो। और ये है हमारी पूजा का, और ये है हमारे बेस्टी, माय डियर बेस्टी लाई है राधा कृष्ण। ये दीदी की बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, उनकी पड़ोसी, आपने देखा गृह प्रवेश, उसी के साथ कीर्तन भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। चलो बाबा बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय कर दो, हाय कर दो, नाना न्यू, चलो फिर बाय बाय बाय। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम में तुम्हारी रहूंगी। पापा पापा वो क्या कहते हैं, ये आँख है, ये काजल, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।